पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे रामगढ़ ताल में जलकुंभी के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा ताल के सुंदरीकरण के मद्देनजर मंडलायुक्त जयंत मालिकर ने बुधवार को मोहद्दीपुर आरकेबीके के पास से रामगढ़ ताल क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जीडीए वीसी व नगर आयुक्त आशीष कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम, नगर निगम के मुख्य अभियंता सुरेश चंद सहित जल निगम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने रामगढ़ ताल क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाने के साथ ताल की साफ सफाई और जलकुंभी निकालने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ताल में कुछ बहुत बड़ा ताल है जैसा आपको पता है, 1700 एकड़ से अधिक है, वेटलैंड नोटिफाई हो गया है, तो इसका संरक्षित करने का दायित्व तो हम लोग का है। और कई क्षेत्रों में जलकुंभी का देखी जा रही है, कुछ गंदियां भी हुई हैं, कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, तो वही हम लोग समस्त विभागों के साथ, बीसी साहब हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं और नगर निगम की टीम है, इसके साथ हमारा प्रयास रहेगा कि ये अतिक्रमण जो है और ये गंदगी फैली है इसको हम तुरंत ठीक करें, जो भी एरिया में छोटे एरिया में है।
और इसको और सौंदर्यीकरण कैसे हो सके उस पर हम लोग विचार करेंगे। जलकुंभी निश्चय आएगी क्योंकि वहाँ पर स्लज है, सिल्टेशन है, और इसको भी हमें एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान होना होगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हम डिसिल्ट करें, स्लज को कम करें और शॉर्ट रन में इसको जलकुंभी को पैदा होने से रोकें।